नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की कुछ हेडलाइंस के साथ। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट, कृषि कार्यों से घट रहा भूजल स्तर। धान की विशेष किस्म के बीज वितरित। गेहूं की रिकॉर्ड खरीद, निर्धारित लक्ष्य को किया पार। मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च, मत्स्य पालकों बनेंगे आत्मनिर्भर। कतर में लगी भारतीय आमों की प्रदर्शनी, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। बढ़ती धान की खेती का भूजल पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, इसके चलते भूजल स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। यह खुलासा आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट में किया गया। केंद्रीय भूजल बोर्ड और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निर्देश पर आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक राजीव सिन्हा ने यह अध्ययन किया है। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा और पंजाब में पिछले 50 सालों में लगातार धान का रकबा बढ़ा है, इसके चलते भूजल स्तर में भी निरंतर गिरावट हुई है। रिपोर्ट में सिंचाई के लिए भूजल के उपयोग की तुलना में अन्य साधनों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है। हाल ही में आई चक्रवाती यास तूफान से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तूफान से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने विशेष धान नोना सोनोर के बीज वितरित किए हैं। धान की यह किस्म अच्छी उपज देती है, साथ ही मिट्टी में खारापन घटाती है। दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना जिले के किसानों को बीज बांटे गए हैं। आपको बता दें, केरल के तटीय क्षेत्रों में पोककालीन धान की खेती की जाती है। धान की इस किस्म को समुद्री पानी से नुकसान नहीं होता। भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की है। इस साल करीब 2,27,000 किसानों से MSP पर 23,40,000 टन गेहूं खरीदा गया है, जो तय लक्ष्य से 23,25,000 टन से अधिक है। बता दें, अब तक करीब 4,500 करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुँचाए जा चुके हैं। केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालक मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य पालकों के लिए मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए किसान मीठे जल में मत्स्य पालन करने के तौर तरीके सीख सकते हैं। ऐप में प्रजातिवर और विषयवर ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मछली के प्रजनन, बीज उत्पादन और पालन पोषण की बुनियादी जानकारी मिल सकेगी। जानकारी पाठ्यक्रम के रूप में होगी, जिसे सफलतापूर्वक करने के बाद ई प्रमाण पत्र भी मिलेगा। खाड़ी देश कतर की राजधानी दोहा में एपिडा ने भारत के आमों की प्रदर्शनी लगाई है। ये प्रदर्शनी खाड़ी देशों में भारतीय आमों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई है। बता दें, एपिडा यानी कि कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण देश के किसानों को उनकी उपज का अच्छे से अच्छा दाम दिलाने के लिए देश में लगातार काम कर रही है। एपिडा खाड़ी देशों में कई फसलों का निर्यात कर चुके हैं। किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।